हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे पोर्चुलाका के बारे में बात करूंगी। इसे मॉस रोज भी कहते हैं। इस मौसम में उगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये एक सेमी सक्यूलेंट प्लांट है। इसके पत्ते अगर आप देखें तो सिलेंड्रिकल पत्ते हैं। देखिए, इसके ऐसे सिलेंड्रिकल पत्ते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर रखता है ये, इसलिए ये कम पानी वाली कंडीशंस में भी लग जाता है। इसकी जड़ें बड़ी शैलो होती हैं, छोटी सी, बस ज्यादा गहरी जड़ें नहीं होती हैं, बिल्कुल शैलो रूट्स होती हैं इसकी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, बिल्कुल शैलो रूट्स होती हैं इसकी, ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं। और देखिए, ये कटिंग लगी हुई भी दिखा दूं आपको। चलिए, इस कटिंग में कितनी अच्छी रूट्स आ रही हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं वो शैलो होती हैं, इसलिए ये आप छोटे से छोटे बर्तन में भी लगा सकते हैं। इतना सा अगर आपके पास पॉट है ना, इतना सा, एक इंच का, उसमें भी आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि रूट्स ज्यादा नहीं होती हैं, पानी इसको ज्यादा नहीं चाहिए और बड़ा विग्रसली ग्रो करता है। बड़ी जल्दी से ये सारा कवर कर लेता है, गमले को जमीन में लगाए तो क्यारियों को। और इसको 9 o'clock प्लांट कहते हैं। 9-10 बजे के करीब इसके फ्लावर्स खिलते हैं और शाम को 4-5 बजे तक रहते हैं। बहुत वैरायटीज के कलर्स में आता है, बहुत शेडेड फ्लावर्स भी आते हैं। और देखिए, मेरे पास अभी येलो कुछ कलर्स जो है वो अभी खिले नहीं है, तो जितने खिले हैं उनमें मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये कैसा कलर है, रेड कहेंगे इसको। ये देखिए, मजेंटा है, ये भी कितना प्यारा मजेंटा कलर है, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसा दिखता है, इसीलिए मॉस रोज भी कहते हैं। ये देखिए, ये रेड कलर है, ये ऑरेंजिश है, लाइट ऑरेंजिश है, ये येलो अभी आजकल खिलेगा ये, और ये अलग, ये भी वही ऑरेंजिश कलर है, और ये भी मजेंटा है, सेम कलर है ये शायद जो पहले दिखाया है, ये भी मजेंटा है। और भी दिखाती हूँ, तो इस मेरे पास इसके बहुत कलर्स हैं। ये येलो देखिए, येलो अभी खिला नहीं है, येलो में भी शेड्स आते हैं इसके, एक दो। ये देखिए, ये पिंक है, पिंक और व्हाइट वेरिएटेड है, कितना प्यारा लग रहा है, जैसे रोज के फ्लावर से भी ज्यादा सुंदर लगता है मुझे ये। और ये ऑरेंज है, देखिए, ये बिल्कुल ऑरेंज कलर का फ्लावर है, हल्का सा इसमें पिंक वेरिएशन भी है, देखिए। तो इतने ज्यादा रंगों में आते हैं और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये, किसी भी तरह की सॉइल में, तो किसी तरह की सॉइल में भी चलता है ये, लेकिन वेल ड्रेन सॉइल, सैंडी सॉइल बहुत अच्छी रहती है जिसमें पानी नहीं रुके। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में पानी स्टोर कर लेता है। ये देखिए, खूब सारी पत्तियां अगर हम लें और अगर मैं उसको ऐसे मसलती हूँ, तो अगर आपको कैमरा पे दिखे तो आपको पता चलेगा इनके अंदर देखिए पानी पानी सा निकलता है, दिख रहा है कैमरे में? ऐसे इसको मसलें हम, देखिए आपको पानी पानी सा गीला गीला ये दिखता है, देखिए, है ना। तो ये इसलिए इसको जो है वो ऐसी सॉइल चाहिए जो अच्छी तरह से वेल ड्रेन्ड हो। उसके लिए आप क्या करें, वही जो मैं बनाती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा खाद मिला लें। वैसे बहुत ज्यादा खाद भी नहीं चाहिए होती है, तो एक हिस्सा खाद मिला के इसको मिला लें, और थोड़ी सी, अगर आपके यहाँ की मिट्टी थोड़ी हार्ड रहती है तो सैंड थोड़ी सी ज्यादा डाल लें। फिर मैं दोबारा कहूंगी कि अगर आपकी मिट्टी जो है वो क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी है आपके एरिया की, तो ये चिकनी मिट्टी में भी लग जाएगा। लेकिन अगर आप उस चिकनी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना चाहते हैं तो उसमें आप रिवर सैंड नहीं मिला के उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला लें, और वो कोकोपीट धो के अच्छी तरह मिलाएं, बहुत अच्छी तरह एक दो पानी धो लें गुनगुने पानी में कोकोपीट को, ताकि उसके अंदर के सॉल्ट्स निकल जाएं। उसके बाद उस कोकोपीट को सुखा के और फिर मिलाएं आप। तो ऐसी इसकी मिट्टी तैयार करें। पानी इसको मैंने कहा बहुत ज्यादा नहीं देना, आप बस थोड़ा सा पानी दे दें जब बाकी पौधों को पानी देते हैं। अब ज्यादा इसकी मिट्टी को गीला करेंगे तो फिर आपका पौधा जो है वो, इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसलिए पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है इस पौधे को। देखिए, ये इसका व्हाइट कलर है। इसमें क्या है, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ पेरिनियल होते हैं। ये जो व्हाइट वाले आपको दिख रहे हैं, इसकी पत्तियां भी आप अगर देखेंगे तो थोड़ी अलग तरह की है। ये देखिए, ये सीजनल है। ये क्या है, इसके, अच्छा, ये इस पौधे में खासियत है, जैसे आपने एक जगह कहीं लगा दिया और मौसम इसका, जैसे ये गर्मी गर्मी में देंगे, सर्दियों में ये फ्लावर नहीं करते हैं, तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, इनको उखाड़ देते हैं। तो इस पौधे की एक खासियत है कि इसके बीज ना अपने आप गिरते रहते हैं,
तो जब आप इसको उखाड़ते हैं तो इसके जो बीज है घना होता रहता है अपने आप बीज गिर गिर के, तो जब आप इसको उखाड़ देते हैं तो इसके कुछ बीज मिट्टी में रह जाते हैं, तो जो बीज मिट्टी में रह जाते हैं अगला मौसम आने पर वो अपने आप ही दोबारा से खिल जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, ये शायद कुछ अलग कलर है। अच्छा, ये पिंक वेरिएटेड ही है। एक्चुअली मुझे ना इसके कलर्स अच्छी तरह इसलिए नहीं दिख रहे हैं, कल मेरी आंख में वो बरसात में बाहर निकाल के मैंने रखे हुए थे अरेका पाम, तो अरेका पाम का ये येलो कलर देखिए कितना, अरेका पाम का पत्ता जो है वो मेरी आंख में लग गया है, तो वो आंख में चोट लग गई है, तो मुझे एक्चुअली मेरे ब्रदर आई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने दवाइयां दी हुई हैं, वो दवाई आंख में लगा के और आंख को ऊपर आई पैड लगा के, मतलब कॉटन का पैड लगा के बंद किया हुआ है, तो इस टाइम मैं एक आंख से देख के वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे कलर्स ऊपर गॉगल्स लगा रखे हैं, तो कलर्स ये कैसा कलर है दिया, ये अलग है देखिए, ये सीजनल वाले हैं, इनके पत्ते भी अलग हैं और इनके फ्लावर्स भी अलग, ये वाला दिखाइए कितना प्यारा लग रहा है, उसी की कटिंग लगाई हुई है मैंने, ये देखिए कितना प्यारा है, ये सीजनल वाले होते हैं, इनके फ्लावर्स थोड़े से अलग होते हैं, बीच में येलोइश पोर्शन अलग दिखता है इनमें, तो ये जो है वो अगर आपके अब इस टाइम जो है ना गार्डनिंग में जो भी जगह है छोटी से छोटी हर जगह को आप फूलों से रंगीन कर सकते हैं पॉर्चुला का लगाकर, और ये देखिए, तो फिर पानी इसको जैसे मैंने कहा कम दें, धूप इसको फुल दें, अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो आपके पॉर्चुला का खूब अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा क्या करेगा, थोड़ा लेगी लेगी हो जाएगा, लंबी लंबी डंडियां हो जाएंगी, पत्तियां दूर दूर हो जाएंगी और आपके पौधे में फ्लावर नहीं आएंगे, फूल लाने के लिए इसमें जो है आपको धूप में इसको फुल धूप में रखना जरूरी है, जितनी देर तक इस पे धूप पड़ती है उतनी देर तक इसमें फ्लावर खिलते हैं। फर्टिलाइजर एज सच इसे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गमले में जब हम लगाते हैं तो मैं तो इसको अब हर 10 दिन में जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दे देती हूँ, क्योंकि इसमें फ्लावर्स आने होते हैं, इसलिए इसको फ्लावरिंग वाला फर्टिलाइजर देना जरूरी है, तो आप इसको क्या करें, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच पोटाश को डिसॉल्व कर लें और उसमें आधा चम्मच NPK 19-19-19 डाल लें अगर आपके पास है, तो इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिला लें और उस पानी को आप अपने पौधे में दें, तो 10-15 दिन में एक बार दें, तो आपके जो पॉर्चुलक हैं वो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेंगे, तो क्योंकि ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, अगर वैसे इसको इतनी बहुत ज्यादा खाद नहीं जरूरी होती है क्योंकि ये एक तरह का वीड ही होता है, लेकिन क्या है कि हमें फ्लावरिंग ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए नए नए फ्लावर खिलते हैं और गमले की मिट्टी है तो इसकी एनर्जी तो न्यूट्रिएंट तो यूज होते ही हैं, इसलिए हम इनको न्यूट्रिएंट टाइम टाइम देते रहेंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है ये। और अलग दूसरी चीज ये बताऊंगी कि एक ही गमले में आप ज्यादा रंग लगा लेते हैं एक साथ तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे को कई बार कई व्यूअर्स ने कहा जिनको मैंने दिखाए थे कि मैंने पॉर्चुलाका को कैसे सेव किया था, उन्होंने मेरे को बहुत बार बोला कि आप अपने सेव किए पॉर्चुलाका दिखाइए, पर वो ये टाइम नहीं मिल पाता है कुछ है, ये मेरे वही पॉर्चुलाका जो 2 गमलों में मैंने लगाए थे उनकी कटिंग्स मैंने सारों में लगा दी है और देखिए अभी ग्रो करनी शुरू हो गई है, और देखिए इन छोटे वाले गमलों में भी मैंने लगा दिए हैं इनकी कटिंग, और वो एक जो 2 मैंने 9 इंच के या 6 इंच के 2 प्लास्टिक के गमलों में जो कटिंग्स रखी हुई थी उन्हीं को फैला लिया है और बड़ी छोटी सी कटिंग से लग जाता है, देखिए आप इसकी अगर इतनी सी भी कटिंग लगाते हैं ना, इतनी सी भी कटिंग लगाते हैं तो ये बड़ा इजीली ग्रो कर जाता है, और इसकी कटिंग को तो भले आप ऐसे भी, लेकिन ये सॉफ्ट वुड होता है तो थोड़ा सा आप होल करके फिर उसमें प्लेस करें, तो इतनी छोटी छोटी कटिंग्स भी इसकी लग जाती हैं, तो आज अब देखिए बोगनविलिया के नीचे ये लगे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऊपर बोगनविलिया के फ्लावर्स हैं और नीचे इसके मॉस रोज के फ्लावर्स हैं, और अभी तो ये और खिलेंगे क्योंकि अभी मैंने कटिंग्स लगाई थी तो पौधे अभी छोटे हैं, जैसे जैसे ये और बढ़ेंगे और इनको मैं फर्टिलाइजर दूंगी DAP और पोटाश वाला, तो इनमें और अच्छे फ्लावर्स आएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको केयर के बारे में, कहीं पे किसी के घर जाते हैं तो भी आप छोटी सी कटिंग ले आए, और ग्रीनरी फैलाने में तो हम प्रकृति की मदद ही करते हैं, तो
तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी के पौधे को खराब मत करें बस। और मांग के छोटी सी कटिंग अगर हम ले लेते हैं, हमें ये पता है कि इसकी कटिंग हम लगा लेंगे। अच्छा, ये सीड से भी बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। जब अभी क्या है कि आपको अच्छे तो डेड हेडिंग करते रहे, मतलब ये जो स्पेंट फ्लावर्स हैं जो मुरझा गए हैं उनको आप निकालते रहे, तो आपके पौधे में जो है वो ज्यादा देर तक फ्लावरिंग और अच्छी फ्लावरिंग होगी। और एंड में जब इनका मौसम जाने लगता है ना, तो जैसे मैंने स्पेंट फ्लावर तोड़े हैं, इनको तोड़ेंगे नहीं हम, तो इनको तोड़ेंगे नहीं तो इनके नीचे छोटे छोटे बीज बन जाते हैं, ये वाले पत्ते गिर के यहाँ नीचे बीज बन जाते हैं और वो बीज झड़ जाते हैं फटाफट। तो उनको, उन बीजों को हमें जो है वो, अब मुझे दिख भी नहीं रहा है एक्चुअली एक आंख बंद है और दूसरी आंख से इतना दिख नहीं रहा तो मैं किसी और वीडियो में आपको सीड दिखा दूंगी, अभी मुझे खुद को ही नहीं दिख रहा है अच्छी तरह, एक आंख बंद है मेरी। तो फिर बाद में जब सीजन जाने लगता है ना, तो हम इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और उन सीड्स को फिर हम फरवरी में लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीड्स हैं तो आप अभी भी लगा सकते हैं। इसके सीड्स को क्या करना होता है, बस मिट्टी के ऊपर आप फैला दें और हल्के से हाथ से दबा दें, हल्के हल्के हाथ से। उनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके सीड्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब राई के दाने के भी चौथा पांचवा हिस्सा समझ लो, इतने छोटे बीज होते हैं इसके। तो बीज से भी इनको उगा सकते हैं, और बस बीज भी है जो सैंड में या आधा सैंड और आधी मिट्टी मिला के उनमें बीज लगा दें, और फिर उसको पानी ऊपर से नहीं दें, बीजों को हिलाएं नहीं, पानी दें तो वो जिस गमले में आपने बीज लगाए हैं उसके नीचे कोई पानी की ट्रे रख के दे दें या स्प्रे करके पानी का दे दें। तो इस तरह से बीज, वैसे बीज से जरूरत नहीं है, कटिंग से बहुत आसानी से उग जाते हैं। ये देखिए, ये मजेंटा वाले हैं, देसी वाले जो होते हैं, और ये वाले भी वही हैं, इनमें भी आज इसमें फूल नहीं है। और तो ये बस आपके गार्डन में रंग भरने के लिए जब तक विंटर फ्लावर शुरू नहीं हो जाते बेस्ट प्लांट है। देखिए, ये वाले भी वही हैं, सीजनल वाले हैं, और ये मैं आपको, शायद आप लोग जो रेगुलर देखते हैं वो हर साल देखते होंगे। देखिए, इनके स्पेंट फ्लावर्स मैं हटा रही हूँ। ये मेरे अडेनियम के गमले में नीचे लगा हुआ पौधा है, इसको मैं जब मौसम खत्म हो जाता है, सीजनल का क्या होता है, मौसम खत्म हो जाता है, इनको संभाल के नहीं रखते हैं, तो इनकी पत्तियां आपको अलग दिख रही हैं, कुछ फ्लावर्स भी अलग दिख रहे हैं, इससे पता चलता है ये सीजनल वाले हैं। तो इनको मैं उखाड़ देती हूँ अक्टूबर में, सितंबर एंड या अक्टूबर में, और देखिए नेक्स्ट ईयर ये अपने आप ही, क्योंकि इसके बीज अपने आप सेल्फ सीडिंग होती है, इसमें अपने आप इसके बीज गिर जाते हैं, और देखिए इस नया सीजन आता है तो ये अपने आप से उग जाते हैं दोबारा। तो फ्रेंड्स, मेरे को बस आपको यही बताना था कि अभी भी आपके पास जो न्यू गार्डनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, वो लगाएं और अपने गार्डन को रंगों से भर दें। और बस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।